फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे डायबिटीज यानी शुगर के तीन प्रमुख लक्षण के बारे में, या फिर कह लो 3P के बारे में। 3P क्या है, इसमें भी बात करेंगे। दोस्तों शुगर एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर का जो ब्लड शुगर लेवल रहता है वो नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर यानी डायबिटीज। डायबिटीज या शुगर ये इसको हम बोलते हैं। लेकिन अब डायबिटीज नॉर्मल कितना होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपका जो नॉर्मल शुगर होता है 70 से 140 के बीच में है तो वो नॉर्मल है। 140 से ऊपर यदि आपका ब्लड शुगर रह रहा है तो समझ जाइए कि आपको शुगर स्टार्ट हो गया। और 3P जो है वो तीन कार्डिनल साइन है डायबिटीज को, जिसको आने से मनुष्य को शुगर 100% हो सकता है। तो पहला जो है वो पॉलीडिप्सिया है, जिसको मतलब कहते हैं हिंदी में बहुत ज़्यादा प्यास लगना। दूसरा पॉलीफेजिया, बहुत ज़्यादा भूख लगना। और तीसरा जो होता है पॉलीयूरिया, मतलब बार बार यूरिनेशन होना, बार बार पेशाब होना। ये तीन जो लक्षण हैं जिस मनुष्य में दिखता है उसे हम कहते हैं कि इनको शुगर हो गया है, इसी को 3P भी कहते हैं। और एक और होता है पॉलीन्यूरोपैथिया, जो कि लेट दिखाई देता है, 4-5 साल से जिस बंदे को शुगर है उसको ये अवस्था दिखाई देती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।